तो दोस्तों अभी रात में हर जगह चाय मिल रहा है, तभी हम लोग चाय गर्म गर्म चाय पी के अभी निकल रहे हैं अंगरावाड़ी की ओर। हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी को हर हर महादेव। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, 5 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवारी होने वाला है। तो आज है 4 अगस्त, जो कि हम आज रात के 12 बजे हम निकलने वाले हैं झारखंड के खूंटी स्थित में अंगरावाड़ी जगह में, जो कि अमरेश्वर धाम है। वहां पर आज आप लोगों को लेके चलने वाले रात में, जो कि काफ़ी लोग वहां पर जाते हैं सावन के समय में, काफ़ी भीड़ वहां पर उमड़ती है दोस्तों उस अंगरावाड़ी शिव मंदिर में। तो चलिए डायरेक्ट शाम में मिलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अंगरावाड़ी की ओर, जो कि अभी 1:30 बज रहा है रात का। तो अभी यहाँ से निकलते दोस्तों, लगभग यहाँ से 45-50 किलोमीटर दूरी पे है अंगरावाड़ी स्थित। तो चलिए अभी मेरे साथ है मेरा दोस्त अंकुश, तभी हम बोल बम, तभी हम लोग निकलते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी रात में हर जगह चाय मिल रहा है, तभी हम लोग चाय गर्म गर्म चाय पी के अभी निकल रहे हैं अंगरावाड़ी की ओर। तो अभी चलिए दोस्तों और अभी आगे और आप लोगों को दिखाते हैं। बोल बम, बोल बम। दोस्तों बाबा धाम से हम लोग 2 किलोमीटर पहले पहुंचे हैं, जो कि यहां पर से हम लोग को नदी में नहाना है और यहीं से जल उठाना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कलश यहां पर दुकान में बेची जा रही है। तो यहीं से अभी हम लोग को नहाना है, मुंह धोना है, दतवन से हम लोग को मुंह धोना है। तो चलिए अभी हम लोग नहा धोवा के फ्रेश होके रेडी होते हैं। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। तो दोस्तों हम लोग अब जल लेके निकल चुके दोस्तों, नहा धोवा के तैयार होके हम लोग जाते हैं अंगरावाड़ी, जो मेन है वहाँ 2 किलोमीटर यहाँ से है दूरी। तो चलिए अभी आप लोगों को आगे का नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों बाबा अमरेश्वर धाम के लिए जो अंदर जाना पड़ता है प्रवेश द्वार के अंदर, तो उसके लिए यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु लोग की यहाँ पर लाइन लगी है, लाइन पूरा यहाँ पर भीड़ उमड़ चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी हम भी यहाँ पर देख सकते हैं पूरा बहुत को यहाँ पर रहे लाइन में। अभी हम सुबह का 5 बज रहा है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर कब तक पूजा होता है, काफ़ी भीड़ भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कितना देर में पूजा होता है। तो दोस्तों किसी भी तरह करके हम लोग अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ही अभी हम लोग को आगे का रास्ता पार करना है, जो कि आप देख सकते हैं गोल 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 करके अभी हम लोग को आगे पार करना है, जो कि काफ़ी अभी समय लगने वाला है हम लोग को। और लगभग अभी 6 बज गया है दोस्तों, और अभी देखते हैं कितना बचता है हम लोग का समय। तो फाइनली दोस्तों 3 घंटों के बाद हम लोग काफ़ी मुश्किलों से यहाँ पर भोले बाबा के पास पहुँच चुके हैं। बस अब पहुँचने वाले हैं, जो कि आप सामने देख सकते हैं भोले बाबा का मंदिर है, वहीं पर अभी हम लोग को अंदर में प्रवेश करना है और वहाँ पर पूरा जल चढ़ाना है। तो चलिए दोस्तों हम पूजा वूजा जल चढ़ाने के बाद आप लोग को पूरा मिलते हैं। तो दोस्तों अमरेश्वर धाम का शिव मंदिर काफ़ी मान्यता कहा जाता है, यहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे शिव मंदिर बनाया गया है। इसका वीडियो अगर आप लोगों को जानना दोस्तों, जिससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो आप लोग जरूर देखें दोस्तों, काफ़ी जानकारी आप लोग को देखने को मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुर्गा मंदिर है, जो कि लगभग 200 फीट की ऊंचाई में ये बनाया गया, जो कि काफ़ी आकर्षित लगता है देखने में। और इसके अलावा पार्वती माँ का मंदिर है, गणेश भगवान का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है, काफ़ी भगवान का यहाँ पर आप लोग को मंदिर देखने को मिलेगा इस अमरेश्वर धाम में। तो फाइनली दोस्तों पूजा हो चुका है, जो लगभग मेरा 4-5 घंटा लग चुका है, बहुत ही मेहनत से पूजा हुआ, काफ़ी भीड़ था, काफ़ी श्रद्धालु लोग के वहाँ पर भीड़ हुए था। तो चलिए अभी आप लोगों को यहाँ का मेला भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जो सावन मेला है हर साल लगाया जाता है इस अंगरावाड़ी
अमरेश्वर धाम में, जो कि ये पर हर साल श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को पूजा से रिलेटेड चीज़ यहाँ पर आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। और ये जो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, अभी यार दो सोमवारी है तो आप लोग अब अगर आना चाहते तो यहाँ पर आ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम पूजा करके निकल चुके हैं, जो कि हम रात के 12 एक बजे निकले थे और अभी सुबह के 10 बजे घर जा रहे हैं, जो कि काफ़ी समय लग गया यहाँ पर छुट्टी में जो अमरेश्वर धाम है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।